सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ये पाठशाला के चैनल पे। 20 मिनट की सीरीज में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं साउथ एशिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब साउथ एशिया की जितनी भी कंट्री है, भारत का उनके साथ संबंध कैसा है, भारत का उनके साथ इशू क्या है, और साउथ एशिया की जितनी भी कंट्री है उन सारे लोगों ने, भारत ने उनके साथ मिलके ऐसा कौन सा कॉपरेशन करा है जो ऑफकोर्स वर्ल्ड सिनेरियो पे मैं कह सकता हूँ भारत की छवि को मजबूत भी करता है और साथ में भारत को फायदा भी पहुंचा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं सभी साउथ एशिया के देशों के साथ। अगर आप ये चैनल फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऑफकोर्स फेसबुक को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम हम सब पे अवेलेबल है, आप हमारे साथ वहां पे जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे इस पूरे चैप्टर के अंदर टॉपिक मेन ये बता रखा है कि हमें समझना है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ कैसा कॉन्फ्लिक्ट है और उनका उनके साथ कैसा रिलेशन है, और दूसरा वी विल इंट्रोड्यूस द रीजन एंड द डोमिनेंस पॉलिटिक्स ऑफ सम बिग कंट्री इन दिस रीजन, और साउथ एशिया के अंदर जितनी भी बड़ी कंट्रियां हैं उनके साथ वहां पे कैसा डोमिनेंस भारत का है, हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साउथ एशिया के नेशन को समझना। साउथ एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान के बारे में इस बुक में कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन साउथ एशिया की कंट्रियों में ये आते हैं। अब सबसे पहले इसमें पाकिस्तान के बारे में बताया गया है। मैंने एक्सप्लेन सीरीज पहले से अपलोड करी हुई है, मैं इतना डिटेल में नहीं बताने वाला। 20 मिनट की सीरीज में आप समझने की कोशिश करेंगे भारत का प्रोस्पेक्टिव क्या है। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उस पड़ोसी मुल्क में सियासत जो थी वो अलग अलग समय में अलग अलग रही। मोहम्मद अली जिन्ना से लेके एक सिकंदर अली मिर्जा, और उसके बाद अयूब खान के बाद जनरल फिर मेजर जनरल, मतलब पाकिस्तान के अंदर सत्ता जो थी आई गई, और पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र सही तरीके से काफी लंबे समय तक कायम नहीं हुआ। वहाँ के जनरल ही राष्ट्रपति बन जाया करते थे, और इसकी वजह से बहुत सारे पॉपुलर मैं कह सकता हूँ मूवमेंट भी चलते रहे। समय समय पे मैं कह सकता हूँ मिलिट्री जो है वही टेक ओवर कर लेती है। तो इसीलिए क्वेश्चन जो सबसे बड़ा बनता है वो ये बनता है कि किस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग नेता लोग आए, लेकिन यहाँ पे मेन बात ये था कि किस तरीके से जो नेशनलिज्म था वो कैसे विकसित हुआ पाकिस्तान में, और सही तरीके से डेमोक्रेसी कब तक आई। तो सही तरीके से स्टेब्लिशी कहते हैं कि नवाज शरीफ के टाइम पीरियड पे थोड़ी बहुत राजनीति में स्टेबिलिटी देखने को मिली थी, और उसके बाद फिर दोबारा जनरल परवेज मुशर्रफ ने ही राष्ट्रपति शासन लगा के अपने आप को राष्ट्रपति बना दिया। तो ऐसा बहुत सारा सीन होता रहता है, लेकिन इमरान खान अभी ठीक ठाक है जो अभी लोकतंत्र की व्यवस्था को ठीक ठाक चला रहे हैं। अब मेन क्वेश्चन जो आता है कि पाकिस्तान में इतनी स्टेबिलिटी क्यों है कि वहां पे लोकतंत्र सही तरीके से नहीं बन पाता। नंबर वन, वहां पे मिलिट्री, क्लर्जी और लैंड ऑनिंग सोसाइटी, सेना, पादरी, जमींदार, अभिजात वर्ग, इनका बहुत दबदबा है वहां पे। दूसरा, पाकिस्तान का हमेशा क्या कहते हैं, जो प्रो मिलिट्री ग्रुप मोर पावरफुल रहता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और इसकी वजह से वहाँ पे वो ज़्यादा पैसा अपनी आर्मी पे, ज़्यादा पैसा अपने क्या कहते हैं ग्रुप को बढ़ाने में, इंडिया को पीछे करने में, दिखाने में तुले रहते हैं। तो भारत का पाकिस्तान के संघर्ष के समर्थन सैन्य समूह और अधिक शक्तिशाली बना दिया है, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम रहती है। दूसरा प्रॉब्लम ये रहती है कि लैक ऑफ जीनियस इंटरनेशनल सपोर्ट, मेन बात है कि जेनवन कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि पाकिस्तान को कभी भी कोई बड़े लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट नहीं मिला कि वहाँ पे वो अपने पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी को सही तरीके से एस्टैब्लिश कर सके। और मेन बात है कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जो है या दूसरे अदर वेस्टर्न कंट्रीज है वो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे उनका बम बेका जा सके। अगर वेस्टर्न कंट्री ये कह रही है कि पाकिस्तान जो है अगर क्या कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म को नहीं बढ़ाएगा तो ऑफकोर्स उनको प्रॉफिट ही नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ा इशू रहता है कि वहाँ पे पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या कहते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी सही तरीके से एस्टैब्लिश नहीं हो पाना। अब यहाँ पे 2018 में 22वें प्रधानमंत्री वहाँ बने थे पाकिस्तान के इमरान खान, उसकी वजह से हमने कहा कि चलो ठीक है रिलेशन बिल्डअप करते हैं। अब रिलेशन बिल्डअप करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारा इनके साथ डिस्प्यूट क्या रहता है।
सबसे बात कश्मीर इशू के लिए, ये दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ये चीज तो हमने काफी अच्छी तरीके से पहले भी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे कश्मीर इशू बहुत बड़ा रहता है, कश्मीर इशू हमें समझना जरूरी है। कश्मीर इशू क्योंकि ये आज से नहीं है, जब से देश आजाद हुआ है, जब से क्या कहते हैं, हमें ये इशू देखने को मिलता है। इस इशू के अंदर हमें जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्से जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे भी आ चुके हैं, वो एक इशू रहता है। दूसरा, सियाचिन ग्लेशियर को लेके भी पाकिस्तान का हमारे साथ 36 का आंकड़ा रहता है और वहां से काफी बार वो मुठभेड़ करते रहते हैं। दूसरा, इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इसलिए करा क्योंकि पाकिस्तान ने अपने चेगाई हिल्स पे न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी और हमें लगता है कि अगर वो न्यूक्लियर पावरफुल हो चुका है तो हमें भी होना जरूरी है। इसी वजह से 1998 के अंदर पोखरण में हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग करी थी, अमेरिका इससे किलस गया था। ऑफ कोर्स आर्म रेस में हम उनसे आगे निकलना चाहते हैं। रिवर को लेके डिस्प्यूट हमेशा बना रहता है, चाहे इंडस हो, चाहे झेलम हो, चाहे चेनब हो, चाहे रावी हो, उनको लेके बना रहता है। और दूसरा, गुजरात के अंदर एक शेर खीर करके एक जगह है जहां पे डिस्प्यूट बना रहता है कि दलदली इलाका में कुछ इलाका ये हमारा है, पाकिस्तान वाले क्लेम करते हैं ये हमारा है, तो ये डिस्प्यूट है। इस डिस्प्यूट में एक और डिस्प्यूट सबसे बड़ा है, वो है ISI जो उनकी क्या कहते हैं इंटेलिजेंस सर्विस है, वो ये कहती है कि वो सिंध, और वो हम ये कहते हैं उन लोगों से कि वो भारत की कैंपेनिंग जो होता है, जो भी भारत की मिलिट्री है उस पर नजर रखने के लिए ISI उन लोगों ने बनाया हुआ है। और जबकि हम ये पाकिस्तान ये ब्लेम करता है कि वो सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को भड़काते रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि ये बलूचिस्तान ये पाकिस्तान बोलता है, अब पाकिस्तान बोल रहा तो क्या पता उसमें सच्चाई हो क्या उसमें फेक हो, उसको कोई ना कोई बहाना तो देना है। लेकिन यहाँ पे हमें इशू लगता है कि पाकिस्तान कश्मीर में कुछ मिलिटेंट को भेज देता है ताकि पाकिस्तान जो कश्मीर है वो भड़कता रहे। जैसे सर अभी हमें पता है कि ये पुलवामा अटैक हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था। अब हमें जो करना है, सुधार जो करना है, हमने बेटर ट्रेड रिलेशन के तहत और बेटर वीजा नॉर्म्स के तहत हमने उनसे रिलेशन बिल्डअप करा और हमने उनके साथ काफी सारे इंटरनेशनल या नेशनल लीडरों के साथ सम्मिट भी करा है। इवन हम लोग दोनों ने अच्छा सिस्टम बनाने के लिए बस और ट्रेन सर्विस करी दोनों कंट्रियों के बीच में, और वो चीज़ अच्छी थी कि हमने जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी थी अटल बिहारी वाजपेयी लेके गए थे देवानंद साहब को, तो वो चीज़ हमने थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करी। साउथ एशिया का एक हिस्सा हमने समझ लिया पाकिस्तान के बारे में, अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री थी जो ऑफकोर्स 1947 में ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था। और ऑफकोर्स हमें यह जानना जरूरी है कि यहाँ पे लोकतंत्र कैसे आया। लोकतंत्र आने का मेन मकसद यहाँ पे यह था कि काफी लंबे समय से यहाँ पे पाकिस्तान जो थे पूर्वी पाकिस्तान वही राज कर रहे थे और वहां के बांग्ला मुसलमान जो थे वो कहते हैं कि सत्ता चलाने की पावर हमारे पास भी होनी चाहिए। और शेख मुजीबुर रहमान जो व्यक्ति थे उन्होंने 75 के अंदर पार्लियामेंट पूरी तरीके से बदल दिया और पहले बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने। लेकिन ऑफकोर्स हमें पता है कि ये व्यवस्था एकदम से नहीं हो पाई होगी, इसमें बदलने में टाइम लगा होगा और इसके पीछे था पूरी तरीके से बहुत बड़ा वॉर। यहाँ पे जियाउर रहमान करके जो है उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है इलेक्शन करवाया जाएगा, लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो उन्होंने मुजीबुर रहमान को कैप्चर करवा लिया, जो बिल्कुल गलत था। मेन बात यहाँ पे ये था कि 1991 तक जाके वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम हो पाया और 1971 में हमने उनको आज़ाद करा दिया। अब इतनी स्टोरी में आपको समझाने नहीं बैठूंगा, मेन रिलेशन पे फोकस करते हैं। सबसे बड़ा इशू जो डिस्प्यूट रहता है वो है बांग्लादेश से इनलीगल माइग्रेंट का आना। 1971 में जब वॉर हुआ था तो उस टाइम पीरियड पे 50 लाख से ज़्यादा लोग कहते हैं कि लोग हमारी कंट्री में माइग्रेट होके आ गए थे। और ये सबसे बड़ा इशू है कि वेस्ट बंगाल से इतने सारे लोग आते हैं जिसकी हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत सारा नुकसान पड़ता है। दूसरा, उनका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को पानी को शेयरिंग को लेके हमारा उनके साथ डिस्प्यूट बना रहता है। तीसरा, हमारा डिस्प्यूट बना रहता है कि बांग्लादेश डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैसेस टू इंडिया, उन्होंने कहा कि नेचुरल गैसेस जो है वो इंडिया को आयात नहीं करेंगे, ये भी गलत है। दूसरा, इवन उन लोगों ने ये बताने की कोशिश करी कि अगर वो हमारे नॉर्थ ईस्ट कंट्री में भी जाना चाहते हैं तो इंडिया से इंडिया नहीं, वो पूरा घूम के जाना पड़ेगा उन्हें। तो ऑफकोर्स उन लोगों ने हमारे ट्रूप्स को, हमारे सैनिकों को अपने टेरिटरी से गुजरने की परमिशन नहीं दी। दूसरा, जो भारतीय लोगों को लगता है कि क्या कहते हैं बांग्लादेश सपोर्ट फॉर एंटी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप, हमें जो लगता है कि जो बांग्लादेश है वो एंटी इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप्स को बढ़ावा देता है ताकि वो नॉर्थ ईस्ट कंट्री के अंदर आतंकवाद बढ़ा सके। और हमारा जो बांग्लादेश से कंप्लेंट रहता है
वो ये मतलब बांग्लादेश का हमसे जो कंप्लेंट रहता है वो ये कंप्लेंट रहता है कि जो इंडिया है वो अनफेयर तरीके से उनके नेचुरल गैसेस का इस्तेमाल करता है। दूसरा चितगांव हिल्स जो ऑफकोर्स बांग्लादेश का हिस्सा है, तो उनको लगता है कि भारत जानबूझ के इधर के इलाकों में डिस्प्यूट करवाता है ताकि हमला होता रहे। और इंडिया बिहेव लाइक अ रीजनल बुली, मतलब साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि वो इतना बड़ा हो चुका है कि ऑफ कोर्स वो पूरी तरीके से कोशिश करता है कि अपनी हुकूमत चला सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब यहाँ पे दोनों के साथ हमने सहयोग क्या करा, बेटर इकोनॉमिक रिलेशन करें। हमने कहा कि जो भी आपका जो कॉपरेशन होगा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हम दोनों एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। इसीलिए बांग्लादेश और इंडिया जो है वो लुकिस्ट पॉलिसी के तहत जो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो चुका है उसमें बांग्लादेश से हमारे अच्छे रिलेशन बने। इसीलिए हमने कुछ कॉरिडोर बांग्लादेश के अंदर बनाए हैं, बांग्लादेश के कुछ लोगों ने कॉरिडोर हमारे इंडिया में बनाए हैं। इससे हमने एनक्लेव्स बनवाए, एनक्लेव्स बनवाने से फायदा ये हुआ कि हम देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में किस तरीके से काम हो रहा है। ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। बात करते हैं आपके नेपाल की। नेपाल में काफी लंबे समय से राजा का तंत्र चल रहा था, इतना आपने याद रखना है। काफी तरीके से माओवेस्ट लोगों का आपस में मुठभेड़ होता रहा, लेकिन फाइनली डिसीजन ये निकल के आया 2006 के अंदर कि सात पार्टियों ने मिलकर 7 अलायंस करा, लेकिन ये भी काम नहीं आया। उसके बाद 2008 में दोबारा से नेपाल के अंदर लोकतंत्र राज्य बना और फाइनली यहाँ पे 2015 के अंदर जाके नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार हुआ। जब केपी शर्मा ओली वहाँ के हेड बने तो ऑफकोर्स हमने कहा कि नेपाल के साथ भी अच्छे रिलेशन कर लिए जाए। सबसे पहला रिलेशन हमने कहा कि जो भी नेपाल के वासी हैं भारत में आ सकते हैं और ऑफकोर्स फ्री ऑफ विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट हमने उनसे रिलेशन बनाया। हमारा डिस्प्यूट उनसे यही रहता है कि ट्रेड को लेके, क्योंकि वो पूरी तरीके से चाइना को अच्छा मानते हैं जो हमारे लिए गलत है ना। क्योंकि यहाँ पे नेपाल अगर चाइना के साथ जा रहा है तो ऑफकोर्स वो हमारा फ्यूचर में कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। माविस्ट लोग, क्योंकि नेपाल के अंदर माओवादियों का आंदोलन हुआ था तो उसका इम्पैक्ट नक्सलियों का हमारे झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा हमें देखने को मिलता है जो हमारे लिए बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। बहुत सारे नेपाल के लीडर जो है सिटीजन कंप्लेंट टू इंडिया इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, बहुत सारे नेपाल के नेता बोलते हैं कि इंडिया जो है उसके इंटरनल अफेयर के अंदर जानबूझ के आता है, तो ये गलत है। अब इंडिया ने मेन ये है कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जिससे हम नॉर्थ ईस्ट की कंट्री को बिजली पहुंचा सके, इसलिए हमने वहाँ पे हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करी है। नेपाल को लगता है कि पूरी तरीके से वो हमें पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश कर रहा है, लैंड लॉक कर रहा है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इंडियन टेरिटरी जो है पूरी तरीके से उनको कैप्चर कर लेगी, तो ये एक इशू है, लेकिन फिर भी हम उसको ठीक करेंगे। श्रीलंका काफी लंबे से बुद्धिस्ट कंट्री थी और आज ये बुद्धिस्ट कंट्री है। वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिंगला और तमिलों के बीच में झगड़ा होना, तो वो आपकी स्टोरी पूरी तरीके से आपको पता है कि सिंघा जो सिंगली भाषा थी उसके लिए सिंघाला लोगों ने कहा कि सिंघाला को ऑफिशियल करो, तमिल ने कहा तमिल को ऑफिशियल करो, इसकी वजह से लिट्टे बना और काफी लंबे समय तक सिविल वॉर चला। भारत की इंडिया कीपिंग फोर्स 1987 के अंदर उनकी मदद करने गई थी लेकिन ऑफकोर्स वापिस आ गई, इसकी वजह से आपको पता है राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया था, हत्या कर दी गई थी लिट्टे ग्रुप के द्वारा। मेन प्रॉब्लम सॉल्व हुई 2009 के अंदर जाके, सिविल वॉर खत्म हुआ, लिट्टे और श्रीलंका दोनों ने एक मेजॉरिटी बनाई और कहा कि सिंगली और तमिल दोनों ही भाषा कॉमन भाषा हो जाएगी, और उसके बाद ये विवाद खत्म हुआ। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यूएन के अंदर आज भी ये वारदात चलती रहती है, लेकिन ऑफकोर्स हमें तो मेन मकसद ये है कि उनके साथ रिलेशन अच्छे करने मेन, क्योंकि इनका इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है इसीलिए हमें इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखने के नाते हमें इनके साथ ये देखना पड़ेगा कि इनके साथ रिलेशन डेवलप क्या किए जा सके। तो फर्स्ट हमने उनके साथ लिबरेट इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई है, सबसे पहले हमने इन्हीं के साथ करी थी, हमने कहा कि हम उदारीकरण के तहत आपके साथ बिजनेस करेंगे। दूसरा फिर हमने कहा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो भी आपके साथ शेयर करा जाएगा। इंडिया और श्रीलंका के साथ डिस्प्यूट यही रहता है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को लेके, जो ऑफकोर्स कुछ तमिल लोग जो भारत से आए हुए थे वो उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो सबसे बड़ा इशू है। इसीलिए यहाँ पे हमने दोनों के अच्छे रिलेशन करने के लिए हमने क्या करा, हमने कहा कि श्रीलंका और इंडो का रिलेशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत होगा। ऑफ कोर्स क्योंकि वो एक आइलैंड है जहाँ पे रावण रहता था, तो वहाँ पे आपदा प्रबंधन से रिलेटेड हमने कहा कि सुनामियाँ बहुत आती है, हम आपकी मदद करेंगे। दूसरा ये भी था कि बहुत से लोग इन पर अटैक करते थे तो उसके बिहाफ पे भी मदद की जाएगी। भूटान,
छोटा सा देश है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। मेन बात यह है कि इनके सिटीजन को हमने कहा बिना वीजा पासपोर्ट के हम भी जा सकते हैं, तुम भी आ सकते हो। इंडिया के अंदर गोरिल्ला और मिलिटेंट के जो हमले होते हैं उसमें भूटान हमारी बहुत मदद करता है। नक्सलीवादियों को खत्म करने के लिए उन्होंने हमारी मदद करी है। उसके लिए हमने भूटान के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाया है जिससे काफी मात्रा में वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है और नॉर्थ ईस्ट की कंट्री को, इवन भूटान को, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकता है। मालदीव बहुत छोटी सी कंट्री है इसीलिए हमारा उनसे ज्यादा दिक्कत होता नहीं है। मेन तो हम इंडिया वाले जो है उनकी मदद करते हैं कि तमिल के लोग अगर इन पे कोई अटैक करते हैं, श्रीलंका के लोग अगर इन पे कोई अटैक करते हैं तो मालदीव की हम अच्छी तरीके से मदद करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट टूरिज्म के हिसाब से और मत्स्य पालन के हिसाब से जो मालदीव है बहुत अच्छा है। लोकतंत्र क्या है इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है इस किताब में, लेकिन मेन बात यह है कि हमने इनके साथ अच्छा वो करा रिलेशन। अब मेन बात यह है कि अब सभी कंट्री ने मिलकर एक शार्क बनाया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टर्म टू एग्जाम। और यहाँ पे सभी लोगों ने मिलकर सोचा कि ठीक है शार्क बनाते हैं, जिसका मतलब है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। काठमांडू में हेडक्वार्टर है, 8 मेंबर है, 1 मेंबर ऑब्जर्विंग है, समय समय पर इसके जनरल सेक्रेटरी बदलते रहते हैं। 1985 में कोऑपरेशन के लिए इसे बनाया गया था। नाम याद रखने का तरीका आपको MBBS स्पेन याद रखना है, जिससे आप याद कर सकते हैं सारे नाम, ठीक है ना। MBBS स्पेन याद रखिएगा, उससे आपको ये याद हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑफ कोर्स मेन था कि रीजनल डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपस में इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल प्रोग्रेस रीजन वो होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी मेंबर्स के बीच में, इन 8-8 मेंबर के बीच में। शार्क का रोल मेन यही था कि 1985 में जब इसको बनाया गया तो म्यूचुअल हारमोनी, आपस में एक दूसरे को बढ़ावा देंगे, सद्भाव की बात करेंगे जो दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन हमें पता था कि ये कामयाब नहीं हुआ, इसी वजह से हमने 2004 के अंदर साफ्टा बनाया, जिसका मतलब था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो पूरी तरीके से शार्क है, जो अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा था, उसमें साफ्टा ने पूरा कर दिया। 2004 में साफ्टा बना, जिसका मतलब था साउथ एशिया की कंट्री के साथ फ्री एग्रीमेंट करना, सस्टेन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। इसकी दिक्कत बस ये थी कि शार्क जो है, ये वाला पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि शार्क जो है उसकी दिक्कत क्या है। शार्क की दिक्कत बस इतनी सी है कि जितनी भी कंट्रियां है ना, सबका डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल लेवल अलग अलग है, हर किसी कंट्री की सोच अलग है। जैसे कश्मीर इशू को लेके हम पाकिस्तान से लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो शार्क कामयाब कहां से होगा। दूसरा, लोगों को लगता है कि जो इंडिया है वो इन शार्क मेंबरों में सबसे बड़ा स्टेट है, जो ऑफकोर्स पूरी तरीके से इनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए लोगों को दिक्कत लगती है। शार्क में ऐसा बोला जाता है कि विकासशील देश है, विकसित देश है ही नहीं, इसलिए धन की कमी है, पैसा की कमी है, जो बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकता। इंडिया का रोल इसमें सबसे बड़ा यही रहता है कि ऑफ कोर्स हर चीज पे इंडिया को लगता है कि हमें उसमें फैसला लेना चाहिए, तो कह सकते हैं लोगों को ये लगता है कि इंडिया शार्क के हर फैसलों के अंदर इन्वॉल्व रहता है। इंडिया को ऐसा लगता है कि जो उनके शार्क के पड़ोसी मुल्क के देश हैं वो उनको कहीं ना कहीं लूटते हैं, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ एक्सप्लोटेशन करते हैं, ये इंडिया को लगता है। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही है इस पूरे स्थिति में, इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि अब उसको लगता है कि इंडिया जो है वो सेंटर है सारी कंट्रियों का, कहीं ये लोग आपस में मिलके इंडिया को ही ख़त्म ना कर दे, ये एक इशू रहता है। इसीलिए वो दूसरी कंट्रियों में जो राजनीतिक अस्थिरता होती है उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, ताकि कहीं उसका इम्पैक्ट इंडिया पर ना पड़ जाए। ठीक है, इतना ही है इस पूरे चैप्टर में। तो आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन कि इंडिया का रिलेशन अपने साउथ एशिया कंट्रियों के साथ कैसा है। जब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।